मेडिकल के अंदर ठगी। हम और आप सब जानते हैं कि मेडिकल लाइन के अंदर हमको बहुत बुरी तरह से ठगा जाता है, पिक्चरों में, सीरियल्स में, कई प्रकार, कई तरीके से समाज को अवेयर किया गया, पर समाज फिर भी डरती है। डॉक्टर डराता है और समाज डरती है, और फिर उसके बिल बनते हैं। डॉक्टर भी ये भूल चुका है कि ये मेरी जो समाज सेवा है, मुझे लोग इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, एक भगवान का रूप मानते हैं, और वह उसी चीज का आपसे नजायज फायदा उठा रहे हैं। आज चारों तरफ डॉक्टर अनेकों तरह से और हॉस्पिटल मिलके मरीजों को बहुत बुरी तरह से लूट और ठग रहे हैं। हम देखते हैं कि दवाई, कोई भी दवाई 1 या 2 रुपए से ज्यादा कैप्सूल की कीमत नहीं है, सारी R&D होने के बाद भी, जो कि फैक्ट्रियों से चंडीगढ़ में अगर कई फैक्ट्रियां बैठी हैं जो अपने ब्रांड से बनाती हैं। बहुत सी अगर महंगी से महंगी अगर इलाज को हम देखें तो किसी भी इलाज का खर्चा 5% से ज्यादा नहीं है। अगर आप 5 लाख दे रहे हैं तो उसमें अगर 50 हजार दिए जाते तो उसमें भी डॉक्टर की तनख्वाह और सारे खर्चे कवर हो सकते थे, पर ये आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठग रहे हैं, 4.5 लाख रुपए ज्यादा लेके करोड़ों रुपए नजायज कमा के। एक डॉक्टर है 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा ले, एक हॉस्पिटल ने अगर करोड़ रुपए लगाए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कमा ले, लेकिन उन्होंने इस तरह से एक आतंकवादी संगठनों के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। नहीं, हम तो अपनी मर्जी से ही करेंगे। सरकार ने अपने बहुत हॉस्पिटल बनाए, लेकिन बहुत सारे और हॉस्पिटल्स की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को आज मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो भी डॉक्टर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में थोड़ा अच्छा होता है वो प्राइवेट को ज्वाइन कर लेता है। कोई भी डॉक्टर का थोड़ा नाम होता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, वह प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने अपना ओरा ऐसे बनाया हुआ है कि लगता है कि पेशेंट का वहीं इलाज हो सकता है, और सरकारी हॉस्पिटल जितने हमारे होने चाहिए मात्र 10% भी हमारे पास नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों का मतलब आदमी लाइनों में ही खड़ा हुआ बीमार हो जाए। ओपीडी को तो ऐसे सफदरजंग और मेडिकल में हैंडल किया जाता है जैसे कि कोई लंगर बट रहा हो, और लोगों को धाड़ मार धाड़ चल रहा है। डॉक्टरों की बैठने की भी सही सुविधा नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। डॉक्टर ने पढ़ाई करी है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही से सैलरी, सही से रहन सहन, उठना बैठना, उसको काम करने का एटमोसफेयर अच्छा मिलना बहुत जरूरी है, जो प्राप्त नहीं है।